दिखाएंगे, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, हमारे मेहंदी भी लगेगी और हम आपको दिखाते हैं कि हमने धनतेरस के लिए हमारे घर को कैसे डेकोरेट किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर लाविका की मेहंदी लग रही है, देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है। लाविका के कंप्लीट होने के बाद मैं भी लगवाने वाली हूँ। फ्रेंड्स इस बार दीपावली के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हर बार की तरह इस बार भी बहुत धमाल मचाएंगे। फ्रेंड्स हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। कैसी लगी आपको हमारी लाइट कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। सो गाइस हमारी मेहंदी उतर चुकी है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाई डू वी सेलिब्रेट धनतेरस। धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस डे को एज अ आयुर्वेदा डे भी कहा जाता है, बिकॉज धन का मतलब आयुर्वेदा की लैंग्वेज में स्वास्थ्य होता है, इसलिए 2016 में गवर्नमेंट ने इसको आयुर्वेदा डे भी बताया था। इस दिन एक प्रथा होती है कि हमें दक्षिण दिशा की ओर दीपक जगाने चाहिए, उसके पीछे एक स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार राजा हेम होते हैं, उनकी शादी को कई साल हो गए होते हैं, उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई होती है। कुछ दिनों बाद उनको एक पुत्र होता है। जब ज्योतिष उस पुत्र का हाथ देखते हैं तो कहते हैं पुत्र की शादी के 4 दिन बाद उसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। राजा इस बात से बहुत चिंतित थे। कुछ दिन बाद पुत्र की शादी हो गई, शादी के 4 दिन बाद पुत्र की मृत्यु हो गई। जब यमराज आए तब पुत्र की पत्नी ने उससे पूछा कि इनको बचाने का कोई तरीका बताइए मुझे। तो यमराज ने कहा जो दक्षिण दिशा की ओर दीपक जगाएगा उसे कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, उसकी उम्र लंबी रहेगी। तब से ये दक्षिण दिशा की ओर दीपक जगाने की प्रथा चालू हुई।